लेकिन ये अगर इस टॉपिक पे हम जाएं तो बड़ा वसी टॉपिक है, ठीक है, सारी दुनिया में होता है, बड़े रिच कंट्रीज़ में भी हैं। अगर आप मैनहट्टन में भी खड़े हों तो वहाँ पे भी आपको भिखारी मिल जाएंगे, बिल्कुल। आप सेंट्रल लंदन में भी खड़े हैं तो आपको भिखारी ज़रूर मिल जाएंगे। फिर हम जब अपनी सोसाइटी जब हम अपनी सोसाइटी में आते हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे होंगे जो जेन्युइन नीडी लोग हैं। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी आपके सामने हैं, जिस तरह के हालात चल रहे होते हैं हर वक्त, उस लिहाज से बहुत सारे ऐसे होंगे जो जेन्युइन ज़रूरतमंद लोग होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में जैसे लोगों को हर चीज़ एक्सप्लॉइट करने की होती है, तो बहुत सारे लोग, मैं तो उन्हें बोलूँगा क्रिमिनल्स हैं, वो जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि लोग अगर लोगों की मदद करना चाह रहे हैं तो वो भिखारियों की शक्ल में आके जेन्युइन जो कोई भिखारी है, जेन्युइन जो ज़रूरतमंद है, उसका हक मारते हैं और उसका हिस्सा मांगते हैं। माजी में भी डिफरेंट इदारों ने क्रैकडाउन किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, और इसमें बहुत सारे रैकेट्स भी पकड़े गए, बहुत सारे गैंग्स जो इन्वॉल्व थे वो पकड़े गए, जो भिखारियों की शक्ल में बच्चों को या औरतों को या डिफरेंट जो कह लें हमारे कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें मिसयूज़ कर रहे होते थे। अभी भी ये काम किया जा रहा है। रिसेंटली इस पर दोबारा से बड़ा एक्टिव हुए, स्पेशली हमारे साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ये एक मुश्तरका टीम बना के जिसमें ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियाँ भी शामिल हुई, हमने स्पेशल एंटी बैगरी स्क्वाड बनाया, गाड़ियाँ डेडिकेट अपनी की और डिफरेंट यूनिट्स के बंदों को उसमें बिठा के अराउंड करते हैं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम्स इज सो ह्यूज कि हम ओवर द नाइट इसमें चेंज नहीं ला सकते। मैं रात को, अगर आप भी ट्रैवल करके देखते होंगे कि रात को आप 12 बजे भी कुछ सिग्नल्स पे जाएं तो रात को 12 बजे नज़र आते हैं। मैं सुबह 6:30 बजे जाता हूं और 6:30 बजे जिस वक्त अभी दिन भी प्रॉपर नहीं निकला होता, उस वक्त कुछ लोग जो हैं वो बेशक फूल बेचने की शक्ल में या किसी डायरेक्ट भीख मांगने की शक्ल में आपको डिफरेंट जगहों पे मिलेंगे। तो वो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, वाइज प्रोफेशन ऐसा बन गया है जो इतना डेडिकेटेड है, वो सुबह भी और रात को भी अपने टाइम पे अपनी शिफ्टों के हिसाब से मौजूद होता है, सबसे ज़्यादा काम ये कर रहे हैं अपने लिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी की जो मेहनत की कमाई है उसको लूट रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह आपने खुद कहा कि हमारा कल्चर भी है, हम हमारे मज़हब की तालीमात भी ये है कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमें मज़हब में सिखाया जाता है कि आप मदद करें, लेकिन फिर वो मदद गलत तरीके पर जा रही है ना। तो इसका सलूशन क्या है? क्योंकि पहले हमने ये सुना कि सोशल वेलफेयर लॉ में मौजूद है कि बैगर होम्स बनाए जाएंगे, वहाँ पे इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वहाँ पे इनको रखा जाएगा, वो आज तक नहीं उस पर अमल दरामद हुआ, ना पे इनको शिफ्ट किया, इनको उठाया जाता है तो पुलिस ज़रूर लेके जाती है इनको, लेकिन बाद में चंद दिन बाद ही वापस आ जाते हैं। इसका प्रॉपर सोल्यूशन डॉक्टर साहब क्या? देखिए वही बात है कि इसको जब स्टडी करते हैं तो एक तो ना सिर्फ वो लोग ज़िम्मेदार हैं, बाकी हम लोग भी उसके उतने ही ज़िम्मेदार हैं। मैं भी शायद अपने लिए घर से निकलता हूं तो सोचता हूं कि यार सदका देना है, तो किसी भी सिग्नल पे जो ही गाड़ी खड़ी होती है तो जो नज़दीक आता है मैं कहता हूं चलो इसको पकड़ा दो। तो थोड़ा सा जैसे इस्लामी तौर पर कितनी दफा ये फैसला कर लेंगे नहीं देना फिर भी जी चलो यार दे देते हैं, सिग्नल पर जल्दी से दे देते हैं। हमारे मज़हब की भी तालीम है लोगों की मदद करना, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज नेशंस जहाँ पे चैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम इसी चैरिटी को प्रॉपर चैनलाइज कर दें, या जो हम सदका देते हैं या लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसमें सरदर्द मजीद ले लें कि हम गाड़ी से उतरें, अपने मोहल्ले में जाएं, अपनी गली में जाएं, अपने रिलेटिव्स में देखें कि जो ज़रूरतमंद हैं उनके घर पे जाके या एक प्रॉपर तरीके से या किसी स्कूल में जाके जो हकदार बच्चे हैं उनकी मदद करें, इस तरीके को अपनाना चाहिए, ना कि जो एक बच्चा जो अगर नहर पुल पे खड़ा है तो हम उसको अगर 10, 20, 50, 100 रुपया दे के अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं पूरी हो गया, तो नहीं, ये आप उसे एक ईजी मनी का आदि बना रहे हैं, एक गलत ट्रेंड दे रहे हैं। आपको चाहिए कि आप निकलें, उसको साथ लेके जाएं, थोड़ा सा सरदर्द लें, उस पर 15 दिन रिसर्च करें, 1 महीना लगे, मोहल्ले के बाकी बंदों को इन्वॉल्व करें, उसको किसी स्कूल में दाखिल कराएं, उसकी कफालत की जिम्मेदारी लें, अगर हम जेन्युइन मदद करना चाहते हैं और इन चीज़ों का हल चाहते हैं। अदरवाइज़ ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा, 50 बंदे हम पकड़ लेंगे, 50 जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, लेकिन अगेन दूसरे दिन वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उन्हें आपने 2 साल के लिए बंद कर देना है। डेफिनेटली उसी वक्त उनकी शख्सी जमानत हो जाएगी, सेम डे पे वो बाहर आ जाएंगे। इस पे कानून साजी की भी जरूरत है, कानून साजी की जाए। आखिर में डॉक्टर